तो भाई दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ जी दरियागंज में और आपका स्वागत कर रहा हूँ एक और नई वीडियो में। पंकज अभी मेरे साथ में नहीं है, वो जो है ना गो डैडी में गया हुआ है, वहाँ पे उसकी कुछ मीटिंग है, मतलब कुछ मीटअप हो रहा है तो वहाँ पे उसको जाना पड़ा। और मैं यहाँ आ गया जी दरियागंज में, अपने किसी काम से आया था और भूख लग रही थी। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मेरे को याद आया भाई कि इनकी ना हमने काफ़ी टाइम पहले जब चैनल शायद शुरुआत करी थी तब हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी। इनका नाम है जी मुकेश भाई के छोले कुलचे। तो ये जगह की शुरुआत जो है ना इनके फादर ने करी थी, मतलब इनके फादर तो जो है ना वो गली गली में जाकर जो है छोले कुलचे सेल किया करते थे, जो सर पे टोकरी सी रखते हैं ना वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन उसके बाद जो है इनके बच्चों ने प्रॉपर इस जगह को जो है ना सेटअप तैयार किया। ये कार्ट अब इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग जो है ना पीछे छोले कुलचे ट्राई कर रहे हैं। मुकेश भाई सामने खड़े हुए हैं, इनसे भी जरा से एक बार फिर से जो है ना थोड़ी बातचीत करता हूँ। हाँ जी मुकेश भाई जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आपसे नहीं। आपके फादर ने स्टार्ट किया था, आपने मुझे बताया था, और वो उस टाइम पे वो सर पे क्या कहते हैं टोकरी रख के है ना, उस तरीके से करते थे। अब जो है टाइम बहुत चेंज हो गया, आपने प्रॉपर जो है जगह अपनी सेट कर दी है। आपने एक बात मुझे और भी बताई थी, जो स्कूल टाइम के जो बच्चे थे वो आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल आते। 60-70 साल इस जगह को हो चुके हैं, है ना। मुझे सारी बातें देख लो याद है, आपसे जो जो बात हुई थी वो भी याद है आपको, सही बात है। तो एक प्लेट जो है ना, पहले तो ये बताओ प्राइस क्या कर दिया आप? वो 40 रुपए की प्लेट है और रायता अलग से है। अच्छा, रायता कुलचे आलू के हैं, पनीर के हैं, सादा है, धनिया वाले। तो मेरे लिए तो सादे वाले आप लगा दो, 40 रुपए में तीन कुलचे इसके अंदर। ठीक है जी, लगाओ जी। आप ये देखो इनका ये है ना पुराना वाला स्टाइल है, जिस तरीके से वो छोलों के अंदर प्लेन छोले हैं, उसके बाद उसमें जो है ये मसाले चटनियाँ वगैरह ये ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरह जो है ना घोल के एक तरफ से वो पूरा हलवे की तरह बना देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रॉपर उसके अंदर खाने का मज़ा उसी के अंदर है, खाने का मज़ा उसी के अंदर ही है जी। तो मेरी ये प्लेट लग गई जी। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको ये एक जगह ही नहीं दिखाऊँगा, एक मेरी इस जगह पर ही, इसी जगह पर एक जगह और मेरी बहुत पसंदीदा है, तो मैं यहाँ पर ट्राई करने के बाद आपको वो जगह भी दिखाऊँगा। तो भाई अपनी जो है ना छोले कुलचे की भाई प्लेट आ गई है। सबसे अच्छी बात जो है ना मुझे ये लगती है कि प्रॉपर जो है ना जिस तरीके से छोले कुलचे होने चाहिए एग्जैक्ट वैसे मिलते हैं। साथ में ने ये रायता ले लीजिए। रायते का क्या प्राइस है महाराज? 10 रुपये का रायता है जी। तो मेरे ख्याल से प्राइस तो आपने कुछ नहीं बढ़ाया, वही है, वहीं के वहीं है प्राइस तो। ठीक है, तो भाई 40 रुपये की ये प्लेट है जी, जिसमें आपको ये छोले मिल रहे हैं। आप ज़रा एक बार छोलों की रंगत देख लो, बहुत ही बढ़िया। ऊपर हल्का फुल्का सा जो है ना ये रोगन या इन्होंने कोई चीज़ डाले हैं, मसाले वगैरह हैं। तीन कुलचे इसमें आपको ऊपर ये धनिया वगैरह डाल के जो है ना मिलते हैं गरम करके, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में ये जो सलाद देते हैं ना ये एक प्लस पॉइंट और हो जाता है। तो अपनी बाइट जो है ना जी तैयार करते हैं। कुलचा तोड़ा जी, अदरक के लच्छे थोड़े से साइड कर देते हैं, वो भैया ने ज़रा प्यार से एक्स्ट्रा और डाल दिए मेरे लिए। और ये ऊपर रखते हैं जी प्याज। तो बाइट तैयार हो गई जी, टेस्ट करते आ जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, ये हैं असली छोले कुलचे भाई। मुझे वो वाले तो जो है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद आते, जिसमें वो प्याज टमाटर दुनिया भर के जो तड़के वड़के लगा देते ना। छोलों में फिर भी चलता है, छोलों में टेस्ट उसका अच्छा आ जाता है कई बार, लेकिन जो कुलचों के ऊपर वो प्याज टमाटर डाल के देते ना वो बिल्कुल भी नहीं मज़ा भाई। प्रॉपर मज़ा जो है ना वो यही है। और 40 रुपये में आपको क्या लगता है ये वर्थ है कि नहीं है कमेंट करके बताना। साथ में है ये ठंडा ठंडा रायता। इसे खाने के बाद एक गिलास रायता ना मेरे कहने पे भाई ज़रूर ले लेना। ऑथेंटिक छोले कुलचे जो होते हैं ना, जो दिल्ली की शान थे और हैं, मुझे लगता है लाइफ टाइम तक ये ही लोगों को पसंद आएंगे। वो एक आध दिन का शौक होता है वो दूसरे वाले जो है ना मसाले मसूले वाले खाने का, लेकिन असली स्वाद जो है ना वो छोले कुलचे का वो यही है। और रायता भाई मज़ा आ गया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रायता है ना, बढ़िया भाई। अब इत्तफाक की बात है आज पंकज साथ नहीं, अगर वो होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ वो गया है वहाँ जाना ज़रूरी था। एक कुलचा मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, इसको पैक करवा लूँगा, दूसरी जगह चल के जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुकेश भाई के छोले कुलचे तो भाई मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये रही जी इनकी कार्ट, एक बार फिर दोबारा देख लो। दूसरी जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ जो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, सामने आपको जो है ना जूम करके दिखा देता हूँ, ये पीपल का पेड़ है, बस जहाँ पे वो सामने बच्चे खड़े हैं ना जी वहीं पे जा रहा हूँ। आंटी की रसोई है जी वहाँ पर, मेरी फेवरेट जगह है, तो मैं आपको जो है ना
वहीं चल के जरा एक बार दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, आ जाओ जी। तो भाई ये है जी दूसरी जगह जहाँ पे जो है ना मैं आके खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सामने ग्रीन सूट में जो आपको नज़र आ रहे हैं जी, इन्हीं के नाम से है ये आंटी किचन। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना तो विकास खन्ना के साथ जो है ना इनकी प्रॉपर भाई फ़ोटो भी है। और बहुत मेहनती हैं इस एज में भी। आप देखो पहले तो ना इनकी भाई एज लगती नहीं है कि ज़्यादा है, मुझे तो इनको आंटी भी बोलने का मन नहीं करता, लेकिन वो खुद कहती है मेरे को आंटी बोलो, तो भाई ठीक है। आंटी जी बहुत मेहनती हैं और हर कस्टमर से ना बहुत खुश होके मिलती है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, तो अब मिलते हैं सबसे पहले आंटी से चल के। 4-5-9 होती हैं। 9 रोटी खाओगे पैक करनी है और 5 रोटी। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी लगती है, जो आप जो है ना कस्टमर से ऐसे खुश होके बात करते हो ना। कैसे हो पहले तो ये बताओ, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। बहुत बढ़िया है ना, तो हम याद तो हूं ना मैं कि नहीं हूँ। हाँ चटोरा पॉइंट। हाँ अरे वाह, ये हुई ना बात, नाम याद है तो बस मजा आ गया। ठीक है, और ना इन्होंने आके पंकज का भी पूछा, वो और ज्यादा अच्छा लगा। आज क्या क्या बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी। ठीक है जी, ये है जी आज का जो है ना पूरा का पूरा मेन्यू। यहाँ हर रोज जो है ना कुछ अलग होता है। मुझे तो ना सही बताऊँ वो बैंगन का भरता ना अब तक याद आता है, जो मैं खा और बैंगन का भरता खाया था। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ आज क्या क्या दिखाओ जरा जी। आज आलू मसाला है। आलू मसाला है जो ठीक है, खत्म होने की कंडीशन में हो गया। ठीक है जी। ये काला चना, काले छोले। ठीक है, मतलब होमली फूड है ना, यही तो बात है। मिक्स और दाल, मिक्स दाल। ये राइस बने हुए हैं, सेला चावल। हाँ जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और क्या है कुछ और स्पेशल? बड़ी खुशबू आ रही है इसमें, क्या है? छोले। छोले, अच्छा वाइट छोले। तो काले छोले व्हाइट छोले दोनों एक साथ सैटरडे को, शनिवार को स्पेशल है। बढ़िया जी, और साथ में जो है और लेडीज भी जो है ना हेल्प करने के लिए लगी हुई है। तो स्टाफ जो है ना इन्होंने ज्यादातर लेडीज का ही रखा हुआ है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंटी प्लेट का प्राइस क्या कर दिया? 100 है। मैंने जिस टाइम खाया था 2-2.5 साल पहले तब 80 रुपए था, तो चलता है इतना, तो 100 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है जी। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, तो एक थाली आंटी मेरे लिए लगा। तो भाई थाली अपनी जो है ना आ गई है, सूखे आलू जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने वाइट छोले की जगह जो है ना ये काले छोले ले लिए। और शनिवार है तो कई बार जो है ना घर में भी हमारे काले छोले ही बनते हैं, मैंने कहा चलो आज जो है ना यहाँ पे जो है काले छोले जो है ट्राई कर लेते हैं। और साथ में भाई ये मिक्स दाल अचार मिला है, सलाद है, थोड़े से जो है ना जीरे वाले चावल हैं। रोटी की जो है ना यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात यह है, ये गर्मा गर्म जो है ना आपको इस तरीके से भाई सर्व होती जाएंगी। आपकी मर्जी है, 4 रोटी आपको मिलेंगी, इकट्ठी लेनी इकट्ठी ले लो। वैसे आंटी जो है ना कोशिश ये करती है कि भाई वो आपको जो है गर्मा गर्म साथ के साथ ही जो है ना बनाकर रोटी खिलाएं। तो भाई अब आ रही है जी टेस्ट करने की, थाली की लुक कैसे लग रही है 100 रुपये में, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई अपनी जो है ना बाइट तैयार करते हैं जी। रोटी ले ली है और थोड़ा सा लगाते हैं जी इसमें आलू की सब्जी, और इस पर रखते हैं जी खीरा। आ जाओ जी टेस्ट करते हैं। आलू जो है ना वाकई में काफ़ी अच्छे मसाले वाले हैं, बढ़िया लग रहे हैं मेरे को तो, बहुत ही कमाल के लगे हैं। मतलब इतना भी मसाला तेज़ नहीं है, जिस तरीके से होमली फूड होता है ना एग्जैक्ट वैसा, देखो जीरे वगैरह का तड़का लगा हुआ है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अब ट्राई करते हैं जी दाल। अब दाल जो है ना काफ़ी बढ़िया है, एक तो ना मिक्स दाल मुझे वैसे भी बहुत पसंद आती है। थोड़ा सा प्याज लगा लिया और ना हल्का सा इसके ऊपर ये अचार भी लगा लेते हैं। लो जी आ जाओ टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया यार, मैं सही बता रहा हूँ, ये खाना जो है ना हाईली रेकमेंडेड है। अगर आप होमली फूड इतने बढ़िया लेवल में टेस्ट करना चाहते हो ना तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। लास्ट छोले रह गए जी, एक बार जो है ना छोले और चावल को मिक्स करके, ये कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का होता है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार ज़रा। चावल ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चावल और छोले का तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना वो बहुत कमाल का है। और सेला चावल यूज़ कर रखा है तो वो वैसे भी ना थोड़ा सा हैवी होता है, तो इतना भी जो मिला है ना वो ठीक है। अंडे नहीं, छोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा तो इतना भी मुझे लगता है मुश्किल से खा पाऊँगा। तो फिर भी आंटी ने कह रहा था टेस्ट जरा कर लो छोले, लेकिन मैंने कहा इतना ही काफ़ी है
और जो जो मिला है भाई ये 100 रुपये में ना वर्थ है। आप यहाँ आके जरूर ट्राई करो, मैं सही बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। और भाई अभी जो मेरे साथ में जिन्होंने कैमरा मेरा संभाला ना भाई, वो है जी अमित भाई। थैंक यू भाई, यार मतलब फर्स्ट टाइम आपने ऐसे शूट किया है, या मैंने वीडियो देख ली भाई, काफ़ी अच्छी शूट करी है, तो थैंक यू भाई, थैंक यू है। ऐसे लोग यार जब मिल जाते ना साथ देने के लिए, अब देखो पंकज तो है नहीं, आप लोगों को पता है, तो भैया को मैंने सिर्फ एक बार बोला कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो जरा वीडियो शूट करने में, और उन्होंने एक सेकंड में जो है ना भाई मज़ा बांध दिया। थैंक यू भाई फिर से यार। और थाली भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं फुल जो है ना, इतनी ज़बरदस्त थाली है 100 रुपये में कि मैं इसको जो है ना प्रॉपर अभी खा नहीं पाऊँगा। आपको पता है मैं कुलचे खा कर आया हूँ, लेकिन भाई ये जो है ना अब मैं पैक करवाने वाला हूँ। मज़ेदार थाली है, 100 रुपये में वर्थ है। बाकी आप लोकेशन देख लो जी, एक बार फिर से कस्टमर यहाँ आए हुए हैं जी, और ये प्रॉपर जो है ना यहाँ की लोकेशन है। पीपल का पेड़ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, यह और एक हनुमान मंदिर भी है जी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हनुमान जी के मंदिर से आप यहाँ आओगे और आपको यहाँ पे ये आंटी की किचन जो है ना नज़र आ जाएगी जी। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। दोनों जगह जो मैंने आपको दिखाई है जी, यहाँ का जो है ना गूगल मैप मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही जगह जो है हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ आओ टेस्ट करो और उसके बाद जो है ना हमें बताना कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।